करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दे रहे हैं। जो भी कॉल ऑप्शन पे स्ट्रेटजी बना रहा होगा उसका हो रहा होगा लाओ माल। और आज मुझे ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करने के बाद, मैजिकल फिगर का कितना रिस्पेक्ट हुआ उसको शेयर करने के बाद, वीडियो स्टार्ट करने के पहले कहने का मन कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक क्यों करना मर मर के लिए पैसों के लिए काम। चलिए आप और हम कुछ ऐसा करें जहां पैसा करे पैसों के लिए काम। निफ्टी का आज मैजिकल फिगर लिया था 17,360 का, आज का है 17,354 का, 17,354 का। ये होते हैं लेवल्स के कमाल। मैजिकल फिगर होते क्या है उसका भी डिस्कशन करेंगे। लो पोस्ट क्या है 17,085 का। और मोटा माटी मैंने कुछ 10 दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने निफ्टी की एक एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन बताई थी जो मुझे 17,050 के आसपास लग रही थी। देखते हैं, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, अभी भी ऐसा नहीं कि वहां पर एक्सपायरी नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है हायर लेवल पे भी एक्सपायरी हो जाए। उसकी वजह भी डिस्कस करूंगा जब मैं मैजिकल फिगर बताऊंगा। 17,205 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है। जिस किसी ने भी लोअर लेवल में माल पकड़ा होगा, 17,175 का अपन ने सपोर्ट लेवल पकड़ा था, 17,085 का लो पोस्ट किया, वहां से हाई पोस्ट किया 17,364 का। तो मोटा माटी 250 पॉइंट के मूवमेंट इसने दिया, निफ्टी ने दिया आज अपवर्ड साइड में। और आज मार्केट ओपन होने के बाद भी, वीकेंड पे भी। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने नोटिस की क्या, जब हमारी छुट्टियां थी सैटरडे संडे को, तब मीडिया भी छुट्टी लेके रखा था, कोई न्यूज का स्पेकुलेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि पैसे खर्च करके भी फायदा क्या होता। आप लोग ट्रेड नहीं कर पाते, लॉस नहीं करते, तो न्यूज पे पैसा जो पेमेंट किया हुआ है, न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन मीडिया हो, उसका पैसे कैसे रिकवर होता। तो न्यूज मीडिया सारी शांत बैठी हुई थी। आज से वापस से वो दौर चालू हो जाएगा। कल के लिए इसका पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,176, 17,176 का, 17,100 का दूसरा सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस 17,306, 17,555 बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जितनी भी बात है मैं सारी 24 फरवरी 2022 के वायदे कारोबार की बात कर रहा हूँ। 37,310 का सपोर्ट लेवल लिया था और 36,720 का सपोर्ट लेवल लिया था, 37,174 का लो पोस्ट किया है, 38,000 का मैजिकल फिगर लिया था और आज का हाई क्या है 38,059। वाओ, लाओ माल। कल के लिए इसका पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, अच्छा आज की क्लोजिंग आई है 37,680 के आसपास की, पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 37,280, 36,888, पहला रेजिस्टेंस 37,960 और 38,444 का। बात करेंगे मैजिकल लेवल्स की। मैजिकल लेवल्स होते क्या हैं पहले उसे समझ लें। मैजिकल लेवल्स हमारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है करेक्टिव फेज पे। करेक्टिव फेज क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं आने वाले 10 साल के लिए बाजार को तेज देख रहा हूं। और अगर मैजिकल फिगर के ऊपर चलते हैं बाजार तो होते हैं बुल मोड पे। देखते हैं किस तरह की एक्सपायरी होती है। ये एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है 17,000 के नीचे की अगर इस मंथ एंड की कैंडल क्लोज होती है तो हो सकता है एक सेलिंग प्रेशर डेवलप हो, वरना ऑब्वियसली अगर 17,000 के नीचे क्लोज नहीं होती तो उसके एडवर्स होगा, यानी कि बाजार बुल रन पे चलेगा। मैजिकल फिगर को इंपॉर्टेंस दीजिए। मैजिकल फिगर के ऊपर चलता है तो मंदी मत कीजिए। आज के लिए मैजिकल फिगर था 17,360 का और आज का हाई भी 17,354 का है। सिर्फ 6 पॉइंट से मैजिकल फिगर को टच नहीं किया, लेकिन मैजिकल फिगर को आधार बनाकर अगर किसी ने लोअर लेवल में माल पकड़ा होगा तो मैजिकल फिगर तक के पुल बैक में उसको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। कल के लिए भी मैजिकल फिगर 17,360 का है। 17,360 के बाद अगर बुल रन स्टार्ट होता है तो 17,550 की एक हर्डल बनेगी मार्केट में। और लोअर लेवल में इस मंथ एंड की कैंडल को हमको देखना है, 17,050 और 17,000 के नीचे की कैंडल बनती है तो हो सकता है बाजार में थोड़ा करेक्टिव फेज और चले। बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर लिया था 38,000 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 38,025 का। तो मोटा माटी बैंक निफ्टी, मुझे जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि अल्टीमेट ब्रेकआउट इसका 40,200 का है। जिस दिन भी ये 40,200 के ऊपर रुकती है, टिकती है, चलती है तो हो सकता है 49,000 के टारगेट खुल जाए। तो बट ऑब्वियस जैसा इंटेलिसिस हमेशा से कहता चला आ रहा है, आगे बाजार में तेजी है, लेकिन लोअर लेवल में करेक्शन आते रहेंगे। इन्वेस्टिंग करते रहिए और इतिहास आप ही लोग रचेंगे, इंटेलिसिस रचेगा। तो ये थी हमारी स्टॉक मार्केट की कल की अपडेट्स। आज अभी टाइम हो रहा है 4:56, तारीख 21/2022, 22 तारीख की रणनीतियां सब आप लोगों के समक्ष है। स्टॉक स्पेसिफिक और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के आधार पर आप लोग अनेकों अनेक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ पैसा कैपिटलाइज करके जा सकते हैं, क्योंकि ये है रियल कंटेंट। जितनी भी आप एनालिसिस करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो,
कंक्लूजन यही निकालना होता है, और ये कंक्लूजन आप लोगों को इंटेलिसिस दे रहा है। तो अगर आप लोगों को लगता है वीडियो वैल्यूएबल है, मेहनत करके बनाया हुआ है, लेवल्स रिस्पेक्ट करते हैं, तो और भी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग इंटेलिसिस का फायदा उठा सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, उन्हें क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को, और पा सकते हैं कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में फोन करना होगा। यहाँ पर एक आई बटन का लिंक होता है, उन्हें भी क्लिक करके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं ताकि बाजार की साइकोलॉजी आपको समझ में आए। और नोटिफिकेशन के बेल घंटी आइकॉन को जरूर दबा के जाइएगा, सब्सक्राइब करिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं ताकि वीडियो के अपलोड होने पर उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ सके। करता हूँ जय श्री महाकाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।